नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिमॉड्यूलेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल्स होते हैं, उनका डिमॉड्यूलेशन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है फॉर द पीडब्ल्यूएम डिटेक्टर। तो इसमें सबसे पहले सिमेट्रिकल लगाया है, उसका जो आउटपुट है उसे रैंप जनरेटर में दिया है, और एक सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर है। रैंप जनरेटर का और सिंक्रोनाइजेशन का जो आउटपुट है उसे एक एडर के थ्रू ऐड किया गया है। देन उसे लेवल शिफ्टर की मदद से, उसकी लेवल है उसे शिफ्ट किया जाएगा। फिर रेक्टिफायर हमने लगाया है, उसके बाद लो पास फिल्टर, और उसके बाद डिमॉड्यूलेटर आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट जो कि मैसेज सिग्नल होगा, ठीक है ना। तो वन बाय वन हर ब्लॉक का ऑपरेशन क्या होगा, किस तरीके से उसका आउटपुट आएगा, क्या वेवफॉर्म दिखेगी, उसे हम समझेंगे। यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी है बेसिकली वेवफॉर्म्स आपको बताने के लिए कि जो इस जगह पर क्या वेवफॉर्म होगी, ठीक है ना, इस जगह पर क्या वेवफॉर्म होगी, उसके बाद इस जगह पर क्या, इस जगह पर, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली जो सिमेट्रिकल है उसका काम होता है रिमूव नॉइज़ फ्रॉम द पीडब्ल्यूएम वेव। जो पल्स विद मॉड्यूलेटेड वेव है, जब वो चैनल के थ्रू जाती है तो उसमें कुछ नॉइज़ ऐड हो जाती है, तो उस नॉइज़ को बेसिकली रिमूव करने के लिए हम सिमेट्रिकल का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो एक नंबर हमने दिखाया है, तो एक नंबर पर बेसिकली सिग्नल कुछ इस तरीके से नॉइज़ के साथ है, नॉइजी सिग्नल आप कह सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड बेसिकली इसका अफेक्टेड बाय द नॉइज। दिस इज द इनपुट प्राइम सिग्नल, जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, दिस इज द वन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये सिग्नल है वो अप्लाई किया जाएगा रैंप जनरेटर में। तो सिमेट्रिका का जो आउटपुट है, क्योंकि ये नॉइज को रिमूव कर रहा है, तो सिमेट्रिका का आउटपुट टू से हमने प्रिंट किया है, तो इस जगह पर जो वेवफॉर्म होगी इस तरीके से होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉइज थी बेसिकली वो खत्म हो गई है, सिमेट्रिकल ने उस नॉइज को खत्म कर दिया, तो आपको एक प्योर पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल गया, ठीक है ना। सिमेट्रिकल से जो नॉइज का इफेक्ट इसने खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद रैंप जनरेटर, द रैंप जनरेटर प्रोड्यूसेस रैंप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पल्सेस सच दैट हाइट ऑफ रैंप्स आर प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्सेस। जो रैंप जनरेटर है वो रैंप जनरेट करता है, और उस तरीके से जनरेट करता है कि जिसका ड्यूरेशन है, बेसिकली देखिए आप यहाँ पर जो रैंप जनरेट कर रहा है, रैंप जनरेट का आउटपुट है थ्री नंबर, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो थ्री वाले जो वेव फॉर्म है उसे आप देखिए, तो जो पल्स का ड्यूरेशन है, बेसिकली जो पल्स का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के लिए रैंप जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं द मैक्सिमम रैंप वोल्टेज इज रिटेन्ड टिल द नेक्स्ट पल्स, और जो मैक्सिमम रैंप वोल्टेज होगा वो रिटेन रहेगा, मतलब उसी जगह पर बना रहेगा जब तक कि नेक्स्ट पल्स ना आ जाए। तो यही हो रहा है, जो पल्स ड्यूरेशन है वहाँ तक आपने रैंप गया, उसके बाद फिर वही आपका बना हुआ है जब तक कि नेक्स्ट पल्स नहीं आ रही, नेक्स्ट पल्स आ रही है फिर रैंप बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेम यही फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर है, तो सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर है बेसिकली वो क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर प्रोड्यूसर रेफरेंस पल्सेस विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड पल्स विड्थ। सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर है वो रेफरेंस पल्स जनरेट करता है जिसका एम्पलीट्यूड और विड्थ फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। दीज पल्सेस आर डिलेड बाई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिले एज शोन इन फिगर। और ये क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे हमने बताया भी है, पहले ये ऑपरेशन होगा, देन दिस, देन दिस, देन दिस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ी सी डिलेड होंगी, यहाँ से जो पल्स जनरेट हो रही है तो उसे फिगर में दिखाया भी है। तो पहले तो ये देखिए, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट विड्थ ये पल्स हैं जो, ठीक है। और उसके बाद ये जो रैंप जनरेशन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद ये बेसिकली जनरेट की गई है। तो आप सभी जगह देख रहे हैं उस तरीके से इन्हें जनरेट किया गया है, जब रैंप हो गया उसके बाद जहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो रही है उस जगह से जनरेट किया है, कांस्टेंट विड्थ का और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की पल्सेस, दी आर द सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ देना है, जो थ्री और फोर है उसे जोड़ देंगे एडर की मदद से, ठीक है ना। तो जब आप इसे जोड़ेंगे, जो थर्ड और फोर्थ जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो सिंपली जो एम्पलीट्यूड जिस जगह पर है उस टाइम इंस्टेंट पर ये ऐड हो जाएगा, तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो जो वैल्यू थी उसके ऊपर ये पल्स यहाँ पर रख दी, देखिए जस्ट उसी तरीके से ऐसी सारी हो रही है,
ठीक है, तो ये ऐड हो गए, 3 और 4 को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा ऐड का, ठीक है ना। उसके बाद लेवल शिफ्टर यूज किया है, लेवल शिफ्टर, तो लेवल शिफ्टर ऑफसेट द डीसी लेवल, तो डीसी लेवल है बेसिकली उसे ऑफसेट करेगा। यहां पर ये सिग्नल आ रहा था, ठीक है ना, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेसिकली, जो मैक्सिमम रैम पे आप ये कह सकते हैं, जो मैक्सिमम रैम जो गया था उस जगह पर बेसिकली हमें इसका लेवल है शिफ्ट करना है, ठीक है ना, इस जगह पर। तो लेवल शिफ्टर की मदद से हम ये पल्स को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम था तो इस वजह से हमने इधर से लाइन खींची, ये समझिए आप, इस जगह पर हमें लेवल शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो ये पूरे बाकी वेव हमने नीचे खिसका दी, तो इससे जो ऊपर ऊपर का पोर्शन है वही सिर्फ आपको लेवल शिफ्टर का जो आउटपुट है वहां पर मिलेगा, तो ये पल्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये लेवल शिफ्टर का आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद रेक्टिफायर लगाया है, तो रेक्टिफायर है वो क्लिप कर देगा नेगेटिव ऑफसेट वेवफॉर्म जो हमने किया था, जो नेगेटिव पोर्शन है बेसिकली उसे क्लिप कर देगा। तो जो 7 है बेसिकली दैट इज द रेक्टिफायर आउटपुट, तो 7 पर रेक्टिफायर का आउटपुट होगा, ये नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर जो पल्सेस थी वही रह जाएंगी, क्लियर है। उसके बाद फाइनली हम एक लो पास फिल्टर यूज करते हैं, लो पास फिल्टर, तो ये क्या है, पहले चार्ज करेगा, ठीक है ना, लो पास फिल्टर में कैपेसिटर रहता है, पहले चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, तो उस तरीके से आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म में इस तरीके से एक सिग्नल मिल जाएगा, जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, ठीक है ना, जो आउटपुट पे अपने को मिलेगा, ठीक है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्लियर है। तो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डिमॉड्यूलेशन हो रहा है PWM सिग्नल का, क्लियर है। यहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी वो हमने लिख दी है, ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।